तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं मित्रों आप सभी लोग। आज तो जी बताना चाहूँगा आज आपको, आज है बसंत पंचमी का त्यौहार और मैं बिलोंग करता हूँ फरुखाबाद से। हमारे फरुखाबाद में बसंत पंचमी के त्यौहार को काइट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। ये देखो, ये भागा, ये भागा, ये भागा, मिली इसे पतंग, यानी कि काइट फेस्टिवल। पतंग लूटो और उड़ाओ, रियली बहुत इंजॉय करते हैं आज के दिन हम फरुखाबाद वासी। तो हमारे ओम जी ने पतंग लूट ली, लूट ली पतंग। ये देखो तो मोहर भी लगी, देखा इतना मोहर लगी, मोहर। तो अभी फिलहाल आज के वीडियो मेला के ऊपर तो नहीं रहेगा, आज का वीडियो रहेगा काइट फेस्टिवल के ऊपर जो हम लोग फरुखाबाद में मनाते हैं। तुमने पकड़ी, बहुत अच्छी बात। अब आपको काइट फेस्टिवल दिखाते हैं कि हम लोग कैसे मनाते हैं यूपी के फरुखाबाद में। बताना चाहूंगा, ये देखिएगा पतंगे रखी हैं कुछ, ये कागज और पन्नी की पतंगे हैं। चरखी, एक ये चरखी पड़ी, मतलब पूरी छत पे बिखरी पड़ी है। हमारे ओम उड़ा रहे हैं। हाँ क्या हुआ, ये देखो छोटू परेशान कर रहा है। ए भाई परेशान ना करो यार, उड़ाने दो पतंग। ये देखो भाई काइट फेस्टिवल, ये देखो, ये देखो, ये भाग रहा है। बसंत पंचमी को एक अलग सा मजा होता है पतंगबाजी करने का। अभी मैं आया हूँ अपने बड़े भाई सिद्धार्थ मिश्रा के घर पे और हम हर साल यहीं से पतंगबाजी करते हैं। मैं अपने घर से भी करता हूँ लेकिन अकेले क्या पतंग उड़ाओ। और सिद्धार्थ भाई और पीछे संजीव बाथम भैया, सभी लोग हैं, मतलब पड़ोसी हैं हमारे संजीव बाथम भैया, और यहाँ से पतंगबाजी हम लोग कर रहे। चलो सीन दिखाते हैं पतंगबाजी का। Thank you.
जी बताना चाहूंगा अभी कि आज है बसंत पंचमी का फेस्टिवल, तो अभी फिलहाल रात हो चुकी है और रात में जो कि सीन आपको दिखाया कि बहुत मजेदार रहे यार, और सभी लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, कुछ सीन मैंने आपको दिखाया रियली बहुत अच्छे थे। करण इधर आओ भाई, करण भाई से मिलवाना चाहूंगा। तो हेलो, कैसे हो करण? हाँ बढ़िया बढ़िया। पतंगबाजी आज करी खूब मजा आया? एकदम सपाट रहा। कुणाल आप भी बताओ पतंगबाजी कैसी रही आज? एक नंबर, मजा आ गया। कतई मजा आ गया, तो सभी ने बहुत पतंगबाजी करी। संजीव बादम भैया जी हमारे पास हैं, भैया का प्यार लेना पसंद करेंगे, भैया के पास आते हैं, भैया आ रहे हैं हम। तो जी बसंत पंचमी सेलिब्रेट कर ली है अपने घर में, संजीव बादम भैया हमारे साथ हैं, सबके चहेते और सबके दिलों पर राज करने वाले हमारे भैया। तो भैया कैसी रही आज बसंत पंचमी? हेलो फ्रेंड्स, आज फुरखाबाद के लिए निश्चित मानिए कि जो पतंग उत्सव है बहुत बड़ा पर्व है, और पूरे दिन पतंगें उड़ाने के बाद सारे लोग शाम को बिल्कुल दीपावली का माहौल है फरुखाबाद में। खूब आतिशबाजी छुड़ा रहे हैं हम लोग और खूब मजे ले रहे हैं, छतों पे साउंड लगे हुए हैं, खूब डांस कर रहे हैं। फरुखाबाद के लिए बहुत बड़ा पर्व है, यहाँ पर बच्चे बच्चे सभी पतंग उड़ाते हैं, लड़के हो लड़कियाँ हो या बड़े बूढ़े हो, सब इंजॉय करते हैं पूरे दिन। फैमिली के सारे रिश्तेदार आते हैं घरों पर और सारे लोग इंजॉय करते हैं, खूब खाना पीना होता है, डांस होता है और शाम को आतिशबाजी। ये नज़ारा है फरुखाबाद का, बरसों से परंपरा ये चली आ रही है बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाने का शौक, और पूरी साल यहाँ पतंगें बनती हैं फरुखाबाद में, लोग अलग अलग शहरों से भी आते हैं पतंग उड़ाने के लिए, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पतंग की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है उड़ाने के लिए, बच्चे सब सीख जाते हैं, कुदरती सीख जाते हैं, कुदरती हाथ में पतंग। आज सभी ने खूब इंजॉय किया और काफी दिनों बाद आज मैंने भी पतंग उड़ाई पूरे दिन, खूब इंजॉय किया ढंग से। आप सब लोग भी इंजॉय कीजिए शिवम मिश्रा के साथ। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा प्यार दिया आपने, और जुड़े रहिएगा भैया के साथ और मेरे साथ चैनल पे। तो अभी फिलहाल मैं सीन दिखाए आपको और रियली आतिशबाजी के सीन देखने लायक बनते हैं। थैंक यू सो मच भैया। तो ओके थैंक यू, और भी अगर सीन होते हैं तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, फिर क्लोजिंग करूंगा, अभी नहीं करता।